पंजाब के क्रिकेट स्टेडियम्स की तामीर 9 का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स की तामीर मुकम्मल कर लेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक, कहा पाकिस्तान का कोई स्टेडियम आलमी मायार का नहीं, मगर अब काम होगा। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हमें 1980 के मॉडल पर नहीं रहना। मैचेस आगे पीछे हो सकते हैं, हमने सिक्योरिटी को मद्देनजर रखना है और टारगेट भी पूरा करना है। मोहसिन नकवी ने कहा स्टेडियम मुकम्मल होने दे, भारत समेत सब टीमें आएंगी। नए स्टेडियम बनाने के हवाले से बातचीत चल रही है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने स्टेडियम की अपग्रेडेशन और तरक्याती कामों का जायजा लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जल थल्ले कर दिया। लक्ष्मी चौक, गुजनेरावी, गुलबर्ग, माल रोड पर तेज बारिश। केनाल रोड, हाईकोर्ट के अतराफ भी बादल खुलकर बरसे। वाल्टन टाउनशिप, डीन टाउन, मॉडल टाउन, जोहर टाउन भीग गए। चेयरिंग क्रॉस, शिमला पहाड़ी समेत दीगर इलाके पानी पानी हो गए। बूंदे बरसते ही शहर के 100 से जायद फीडर चिप कर गए, घंटों बिजली बंद रही। मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके तालाब बन गए। जल्लो टाउन की गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बाटापुर मेन जीटी रोड पर भी पानी जमा हो गया। पानी दुकानों में भी दाखिल। जल्लो बाजार, कायदे आजम इंटरचेंज, दरोगा वाला पार्क भी पानी पानी। वाल्टन, इस्लाम नगर में भी पानी घरों में दाखिल। रेलवे कॉलोनी भी भर गई। मनावा की मेन सड़क समेत मुतद्दद इलाकों में पानी जमा हो गया। ग्वाला कॉलोनी, हरबंसपुरा की गलियां पानी में डूब गई। स्कूल और घरों में भी पानी दाखिल हो गया। निकासी आपके नाकिस इंतजाम पर शहरी बरहम। बारिश के बाद कच्चा जेल रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का शहर का दौरा। कतवा चौक, जैन मंदिर में निकासी आप का जायजा लिया। बारिश के बाद डीसी सैयद मूसा रजा फील्ड में मुतहरिक। लक्ष्मी चौक, कतवा चौक, मजंग में निकासी आप का जायजा लिया। निकासी आप ऑपरेशन को मजीद तेज और मौसर अंदाज में जारी रखने की हदायत दी। वाइस चेयरमैन बासा चौधरी शहबाज का नशीबी इलाकों का दौरा। सीटीओ ट्रैफिक का जायजा लेने के लिए कतवा चौक पहुंचे। पंजाब हुकूमत का बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ। लेस्को के 37 लाख सार्फिन को 15 अरब का रिलीफ मिलेगा। अगस्त में 19,25,000 सार्फिन को 8 अरब का फायदा होगा। सितंबर में 1,75,000 सार्फिन के बिलों में 7 अरब 20 करोड़ की कमी होगी। इतला कमर्शल, सनती और ट्यूबवेल्स के सार्फिन पर नहीं होगा। पंजाब हुकूमत बिलों की मद में 45 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। सर्विसेज अस्पताल में बद इंतजामी। एक से दूसरे वार्ड में मरीज शिफ्ट करने की सहूलत दस्तियाब नहीं। मरीज को सड़क पर ट्रैफिक की रवानी में मुंतकिल करने की वीडियो मंजरे आम पर आ गए। बारिशी पानी सर्विस रोड पर जमा। वार्ड बॉय मरीज को बेड पर इंडोर ब्लॉक में लेकर गया। तेज बुखार, जिल्द पर सुर्ख धब्बे, सर दर्द, मंकी पॉक्स की इलामत। अस्पतालों को फौरी हाई डिपेंडेंसी यूनिट के काम की हिदायत। अद्वियात का स्टॉक यकीनी बनाने। तिबी अमले को प्रोटेक्शन किट लाजमी पहनने का हुक्म। साबिक वजीर डॉक्टर जावेद अकरम की सरबराही में टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कायम। माली बहरान का शिकार पंजाब यूनिवर्सिटी की नई रेवेन्यू जनरेशन पॉलिसी। तुलबा मुफ्त डिग्री नहीं ले सकेंगे। यूनिवर्सिटी ने पहली बार मुफ्त डिग्री के हसूल की सहूलत खत्म कर दी। तुलबा डिग्री हासिल करने के लिए 6,000 रुपये फीस अदा करेंगे। लाहौर बोर्ड का सवालिया पेपर्स पर वाटरमार्क लगाने का फैसला। वाटरमार्क आइंदा इंटरमीडिएट के दूसरे सालाना इम्तिहानात से लगाया जाएगा। हर इम्तिहानी सेंटर का दूसरे सेंटर से सीरियल नंबर मुख्तलिफ रखा जाएगा। इकदाम का मकसद दौरान इम्तिहान सवालिया पर्चा को आउट होने से रोकना है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली, तारीख गुजर गई, असातिज़ा तबादलों पर पाबंदी ना उठाई जा सकी। 3 लाख असातिज़ा पाबंदी ना उठाए जाने पर परेशान। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक PITB से राबते में है, जल्द नई पॉलिसी अपलोड करके पाबंदी उठा ली जाएगी। LDA स्कीमो प्रॉपर्टीज और डाटा को महफूज बनाएगा। खसूसी सेल SPU में इस्लाहात लाने का फैसला। जदीद खतूत पर तंजीमें नौ की जाएगी। मार्केट बेस्ड तनख्वाहों पर माहरीन भर्ती होंगे। इधर DG ने लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर फैसल शहजाद की खिदमात अलग कर ली। अहम पोस्ट पर तैनात किया जाएगा।
शहर से मलबा कैसे हटाएं, खूबसूरत कैसे बनाएं। बल्दिया उज़्मा और एलडीए ने सर जोड़ लिए, जाम में हिकमत अमली तैयार। मलबा हटाने और गैर कानूनी शेड्स के खात्मे के लिए कमेटी तश्कील। मॉनसून बारिशों से डेंगू लार्वा की अफसाइश बढ़ गई। 2119 मकामात से लार्वा बरामद, मौके पर तल्फ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का अटारी सरोबा आशियाना रोड पर टीमों के काम का मुआयना। वायरस और माइक्रो प्लान बारे ब्रीफिंग ली। डीसी लाहौर का सब्जी मंडी टाउनशिप का भी दौरा, कीमतें चेक की। गिराफरोशों के गिर घेरा तंग, 15 गिरफ्तारियां। 2138 मुकामात की चेकिंग, 15 मुकदमात का अंदराज, 4 लाख जुर्माना आय। LWMC के साबिक मुलाजमीन का एहतजाज, बगैर नोटिस नौकरी से बरतरफ करने का इल्जाम। कहा 3 से 4 माह की तनख्वाह भी नहीं दी गई। बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। प्लेकार्ड थामे, मुजाहिरीन की नारेबाजी। दुकानदारों की बेकसूर गिरफ्तारी पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज। धोबी मंडी की गोल्ड टेस्ट लेबोरेटरी एसोसिएशन का मुजाहरा। पुलिस पर मोहम्मद उमर, मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद तारिक को गिरफ्तार करने का इल्जाम। मुजाहिरीन ने पुलिस क्लब प्रेस क्लब के बाहर सड़क ब्लॉक किए रखी। अहम रहनुमाओं के इख्तलाफात और तहफुजात, पंजाब हुकूमत का काबीना में फौरी तौसी ना करने का फैसला। तौसी अक्टूबर तक मौखर करने पर इत्तिफाक। लीगी क्यादत मौजूदा सूरत हाल में पार्टी में नई तकसीम नहीं चाहती। नवाज शरीफ ही काबीना में तौसी के ऐलान की मंजूरी देंगे। अकाउंट्स कमेटी और कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन के लिए इजलास। मेंबर सूबाई असेंबली अहमद इकबाल चौधरी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 के चेयरमैन मुंतखब मोहसिन अयूब कायमा कमेटी ब्राय खजाना के चेयरमैन बन गए। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद जलसा, पीटीआई कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां। 413 मुतहरिक कारकुनान की फहरिस्तें थानों को इरसाल। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भचर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत ने कारकुनान को गिरफ्तार किया तो हमारा सबर जवाब दे जाएगा। हुकूमत पर भी तनकीद, बोले चचा भतीजी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए टैरफ टैरफ खेल रहे हैं। इंटरनेट गिरफ्तार, सुस्त कराने का भी इल्जाम। 3 तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब 80 करोड़ के फंड मंजूर। गुजर कॉलोनी में बायोगैस प्लांट की तंसीब के लिए 68 करोड़ रुपये मंजूर। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद अवान के जेर सदारत इजलास हुआ। अड्डा खानपुर बकर बाईपास के लिए भी फंड्स की मंजूरी। खुदारा, मुल्क पर रहम खाएं, सनतों को बंद न करें चलने दें। महंगी बिजली लेकर सनतें नहीं चला सकते, 100 से ज्यादा यूनिट बंद हो चुके। लाखों मजदूर बेरोजगार हैं, इंडस्ट्री मुल्क का सासा है, इसे कब्रिस्तान न बनने दें। एसएम तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा धड़ेबाजी छोड़कर मुल्क के लिए काम करें। जुमे को फैसलाबाद में बड़ा इकट्ठ होगा। सनतकार आइंदा की कीमत अमली का ऐलान करेंगे। इस्पोर रहमान, जफर इकबाल, शहजाद मलिक भी हमदा थे। वज़ीरे सेहत ख्वाजा सलमान रफी की पीडीएम में हेड ऑफिस आमद। मौसमी सूरत हाल और कच्ची केनाल में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। डीजी इरफान अली काकिया ने ब्रीफिंग दी। सलमान रफीक ने कहा पीडीएम में और इंतजामिया के पेशगी अलर्ट के बायस कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से गैर मुल्की वफद की मुलाकात। माम बच्चे की सेहत, फैमिली प्लानिंग, पोलियो वैक्सीनेशन पर बात। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि 42,000 से ज्यादा लेडी हेल्थ वर्कर्स बच्चों की न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग कर रही हैं। डॉक्टर अनीता जैदी ने हुकूमती इकदाम को सराहा। सूबाई वजीर आशिक हुसैन करवाने की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा ज़राअत के लिए मंजूर शुदा मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। किसान कार्ड की लॉन्चिंग से पहले कार्ड की तकसीम और तरसील का अमल मुकम्मल करने की हदायत। DGLTA का गुलबर्ग का दौरा। मेन बुलेवर्ड, एमएम आलम रोड, नूरजहां रोड स्कीम का जायजा लिया। बिल्डिंग मटेरियल सड़क पर रखने वालों को जुर्माने। ताहिर फारूक का अड्डा प्लॉट, पाइन एवेन्यू और अतराफ की शाहराओं का भी दौरा। चीफ टाउन प्लानर और असिस्टेंट कमिश्नर ड्राइवेंट को तजावजात हटाने की हदायत। फ्लाइंग स्क्वाड स्टाफ की एसएसपी वीवीआईपी सिक्योरिटी तारिक अजीज से मुलाकात। अफसरान फ्लाइंग स्क्वाड को रूट सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई।
MBBS के सालाना इम्तिहानात के कैलेंडर की मंजूरी। फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS के सालाना इम्तिहानात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। UHS के बोर्ड ऑफ स्टडीज मेडिसिन का इजलास। सेकेंड प्रोफेशनल MBBS सालाना इम्तिहानात जनवरी 2025 के आखिरी हफ्ते में लेने की मंजूरी। प्याप सुहेल नसार ग्रुप का गुलबर्ग में इजलास। मियां सुहेल नसार, इरफान इकबाल शेख, जफर इकबाल चौधरी शरीक हुए। मुजाहिद मकसूद भट्ट, मलिक जमान नसीब समेत दिगर शख्सियात शरीक हुए। मलिक जमान नसीब का सुहेल नसार ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज। चेयरमैन के लिए इंजीनियर वसीम नजीर 11,967 वोट लेकर पहले नंबर पर। इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी 11,564 से जायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर। सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए इंजीनियर सहरोश लोदी आगे। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की तकरीब तकसीम इनामात। हदफ से ज़ायद टैक्स वसूल करने वाले मुलाज़मीन की हौसला अफजाई। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद की शिरकत। सेक्रेटरी एक्साइज मसूद मुख्तार, डी जी एक्साइज फैसल फरीद, ADG रिजवान शेरवानी भी मौजूद थे। उर्स हजरत दाता गनबख्श रहमतुल्लाह अलैह की तकरीबात जारी। बैनुल मदारस और जमात मुकाबला हुस्ने करात की तकरीब। पंजाब भर के 40 मदारस और जामियात के तुलबा की शिरकत। शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक हजारवी, बदरुज़्ज़मान कादरी, मुफ्ती मोहम्मद अब बकर समेत दीगर शख्सियात शरीक। हाफिज फैसल अमजद अव्वल, कारी अब्दुल वहाब इब्राहिम दूसरे और मोहम्मद अकील नवाज तीसरे नंबर पर रहे। सेक्रेटरी औकाफ सैयद ताहिर रजा बुखारी ने पोजिशन होल्डर्स को इनामत दिए। रेलवे पुलिस और FIA के 197 एहलकारों की पासिंग आउट। मेहमान खसूसी ट्रेनिंग इंचार्ज DIG नॉर्थ अब्दुल रब चौधरी थे। SP मुगलपुरा और प्रिंसिपल वालचंद ने मेहमान खसूसी का इस्तकबाल किया। सिंध हुकूमत के जेर तरबियत अफसरान का CPO का दौरा। IG पंजाब उस्मान अनवर का खिताब। सवालात के जवाबात किए। जेर तरबियत अफसरान सेफ सिटीज अथॉरिटी ऑफिस भी गए। विजुअल चाइल्ड सेफ्टी सेंटर देखा। 15 इमरजेंसी हेल्पलाइन सेंटर और ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर पर ब्रीफिंग। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए AEO पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम स्टडी अब्रॉड एक्सपो का आगाज हो गया। स्टूडेंट्स की कसीर तादाद में शिरकत। तालीमी मुस्तकबिल से मुतालिक बेहतर मनसूबाबंदी के लिए रहनुमाई फ्राहम की गई। दुनिया भर में साल का पहला सुपर मून आज देखा जाएगा। लाहौर में सुपर ब्लू मून का नजारा रात 11:26 पर होगा। सुपर मून वो चांद है जो जमीन के करीब तरीन मुकाम पर आ जाता है। इसकी चमक और साइज मामूल से ज्यादा होता है। ECB लाहौर रीजन सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट। यकम से 19 सितंबर तक मैचेस होंगे। टूर्नामेंट सेंट्रल पार्क अलीगढ़ इत्तेफाक LRCA ग्राउंड पर खेला जाएगा। लाहौर रीजन के तीनों जोन्स की 6 टीमें हिस्सा लेंगी। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 11 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। शॉन मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली टीम का हिस्सा, मोहम्मद रिजवान, असीम शाह, साइम अयूब, सलमान आगा और शाहिन शाह अफरीदी शामिल। पहला टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा। और लाहौर में तुर्की और चीन के बाद इंडोनेशियन फिल्में भी रिलीज। हॉरर फिल्म लैम्पियर 23 अगस्त को रिलीज की जाएगी। विली फिल्म्स ने हुकूक हासिल कर लिए हैं।